सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कालीपुर के करौंदी गला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमनाइकपुर में आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में आपसी कहासुनी में यह मारपीट हुई। सिर में चोट लगने से राकेश नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज किया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के पटकौली गांव के समीप सुल्तानपुर से बनारस जाने वाली NH56 पर DCM और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। पिकअप के परखच्चे उड़े और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से लंबुआ CSC में उसका इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर में सेल्फी किंग के नाम से समाज सेवी अखिलेश सिंह पर्वत ने अपनी पहचान बना ली। 30 बार रक्तदान करने के बाद जनपद एवं प्रदेश की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के और समाज सेवकों के जरिए हजारों से अधिक जरूरतमंदों को रक्त की व्यवस्था कर चुके हैं। अखिलेश पर्वत बताते हैं कि यह क्रम जीवन के अंतिम क्षणों तक जारी रहेगा। अयोध्या में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर विरोध में उतरे कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अयोध्या संतों के साथ मुलाकात कर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुताबिक 5 जून से पहले अयोध्या में लाखों समर्थक आने को तैयार हैं और अयोध्या में भी संतों का समर्थन मिल रहा है। उत्तर भारतीयों को लेकर ठाकरे परिवार के विरोध में उतरे कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने आंदोलन को लेकर आज अयोध्या में संतों के दरवाजे पर पहुंचे हैं। अमेठी में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। अमेठी में गौरीगंज के कस्बा क्षेत्र के बाजारों में एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस द्वारा पैदल मार्च किया गया तथा आसपास खड़े संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन और नई उम्र के लड़कों की चेकिंग व पूछताछ की गई। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना कमरौली पुलिस द्वारा एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 12 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जायस पुलिस और SOG टीम ने सातिर गांजा तस्कर अवनीश चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। अवनीश के पास से 10 लाख रुपए कीमत के करीब 49 किलो गांजा और एक XUV गाड़ी बरामद हुई है। अमेठी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। गंगा नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अमेठी में गरीब मजदूर के मुंह का छीना जा रहा है निवाला। मजदूर का कार्य कर रही है JCB, खोदा जा रहा है तालाब। सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। जामो थाना क्षेत्र के लोरिकपुर भगत का पुरवा का ये मामला है। अमेठी में आयोजित जन चौपाल में पहुंची PRD महिला की सिपाही, रोते हुए बोली कि मेरी जमीन पर कुछ लोगों ने अपने नाम करा ली है, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही। PRD के महिला ने अपनी शिकायत रो रो कर दर्ज कराई, जो चर्चा का केंद्र बन गया। SDM फाल्गुनी सिंह ने बताया कि उनकी जमीन का न्यायालय में मामला विचाराधीन है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज